बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझको और हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, आमीन। आज जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिस मेडिसिन का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करनी वाली हूँ वो कुछ टैबलेट्स हैं जिनका नाम है कुवान। ये कुवाम टैबलेट किस लिए यूज़ की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके अलावा इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं, इसकी वार्निंग्स क्या हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। कुवाम मेडिकेशन जो हम लोग जो टैबलेट्स यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स में, या हम यूज़ करवाते हैं ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन को, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका बीपी बहुत ज़्यादा रेज होता है, ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, उसमें यूज़ करवाते हैं कुवाम टैबलेट। इससे पहले हाइपरटेंशन के लिए मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो भी डाली थी, एक्सटोर टैबलेट्स। एक्सटोर टैबलेट्स का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। ये भी हमारे पास हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या कुवाम। कुवाम का अगर मैं आपको फार्मूला नेम बताती जाऊँ कि इसमें क्या फार्मूला यूज़ किया गया है, तो वो कुछ ये है कि ये एम्लोपाइडीन एंड वाइसर्टिन से मिलके बना है। कुवान 10 mg, जबकि हमने जो एक्सटोर का मैंने आपको दिया वो भी 10 160 ही है। ये भी हमारे पास कुवाम 10 160 मेडिकेशन है। आप मेरे चैनल पर जाके उसके तमाम डिटेल्स दे सकते हैं, मैंने ईच एंड एवरीथिंग उस मेडिकेशन का भी तमाम रिव्यू दिया हुआ है। ये भी कुवाम भी एज इट इज़ वही चीज़ है, जबकि इसका ब्रांड नेम कुवाम है, 10 126 है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको हम ब्लड प्रेशर करते हैं हाइपरटेंशन में। इसके अलावा इसका मैं आपको यूज़ बताऊँ कि ये इस तरह की कुछ टैबलेट्स होती हैं। अगर मैं इसके अलावा अगर आपको इसका यूज़ बताऊँ तो इसका यूज़ कुछ ये है कि हम लोग हार्ट फेलियर पर यूज़ करवाते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं उसमें भी ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है कुवाम। नेक्स्ट अगर मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताती जाऊँ तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके कुछ ये हैं कि इससे यूज़ करने के बाद फेंटिंग हो सकती है। फेंटिंग मतलब कि थकावटमन महसूस करेंगे हम कह सकते हैं, लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स हो जाती हैं इसके यूज़ से, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास रीनल डिसफंक्शन, जिसको हम रीनल जहाँ पे भी आता है ना वर्ड, उसका मतलब होता है किडनी। रीनल मतलब कि किडनी में डिसफंक्शंस कोज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एनजियो एडीमा कोज सकता है, अंडर द स्किन जो है ना स्वेलिंग वगैरह कोज हो सकती है, जिसको हम एडीमा कहते हैं ना, जिसमें फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है वो चीज़ आ जाती है। इसके अलावा डेजीनेस कोज करता है, हाइपोटेंशन कोज करता है। हाइपोटेंशन जाहिर सी बात है क्यों कोज करता है, हम हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं क्योंकि बीपी कम हो, तो हाइपरटेंशन के लिए दे रहे हैं तो हाइपोटेंशन कोज कर रहा है, बीपी को कम कर रहा है, ठीक है। वार्निंग्स अगर मैं आपको इसकी बताती जाऊँ तो प्रेगनेंसी में इसकी वार्निंग्स हैं, लैक्टेशन में, ड्राइविंग अगर आपने करनी, अगर आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपने ड्राइविंग से अवॉइड करना है। इसके अलावा अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपने अल्कोहल से भी अवॉइड करना है अगर आप ये मेडिकेशन यूज़ करें, क्योंकि हम ये अगर चीज़ें करेंगे ना अल्कोहल का यूज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स की जो सिवेरिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कोज करेगी, इसलिए हमने उसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको इसकी प्रिकॉशंस बताती जाऊँ तो इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, कुवान की प्रिकॉशन यही है कि आपने जो भी मेडिसिन है डॉक्टर की हदायत के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, डोजेज उसकी कितनी यूज़ करनी है वो आपने अपने डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, जितना आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा आपने उतनी उस लिहाज से यूज़ करनी है, ठीक हो गया। कोई भी मेडिसिन हो मैं आपको रिव्यू देती हूँ उसके यूज़ का, ताकि आपको पता चल सके, आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो हो सके, आपने खुद से कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर मैं अगर ओवरऑल इसकी डोजेज आपको बताती जाऊँ कि इसको यूज़ कितना करते हैं, डेज में 2 टैबलेट्स यूज़ करते हैं, 1 टैबलेट यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताती जाऊँ, तो ये दिन में हम लोग 1 टैबलेट यूज़ करते हैं पर डे, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी एक्सपायरी डेट, तो इसकी एक्सपायरी डेट 2023 है। हमारे पास जो है ना ये इस फॉर्म में हमारे पास इसकी बॉक्स भी होता है टैबलेट का, मैं आपको इस टैबलेट्स जस्ट दिखा रही हूँ, ठीक हो गया। 2023 यहाँ पे भी इसकी एक्सपायरी डेट लिखी गई होती है और यहाँ पे भी इसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपने सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी है, क्योंकि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज़ करें तो उसके बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स आते हैं, यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये इसका 2023 जो है इसका जो है वो है एक्सपायरी डेट, सॉरी, ठीक है। ये हम मेडिकेशन यूज़ करवाते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में,
उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो का रिव्यू, इस मेडिसिन का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फर्स्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर किसी दूसरी मेडिसिन का आप रिव्यू जानना चाहते हैं कि उसको क्या यूज़ है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, किस लिए यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू, और इस पर वीडियो बनाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।